तो कैसे आप लोग लोग जब तो रोता 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 लोग लोग जब तो रोता 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 लोग लोग जब तो रोता रोता रोता। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। आज भी मैं आपको बताऊंगा एक न्यूज़ अपडेट। तो पहली न्यूज़ है देसी गेमर की तरफ से। वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ ऐसा डालें, देखिए। उन्होंने कहा, जिसको भी मेरा पता मालूम है प्लीज़ कोई घर में या आसपास नहीं आए, मेरे चक्कर में मेरे पड़ोसियों को भी तुम लोग डिस्टर्ब करते हो, मैं किसी से नहीं मिल सकता। यस, बाहर कहीं रैंडमली मिलूं तो मिल लो, बात करूं, घर गांव में नहीं, मेरी भी प्राइवेट लाइफ है। और इसके बाद प्रो नेशन हर्ष भाई ने भी कुछ ऐसा ही अपने इंस्टाग्राम पर डाला, देखिए। सो गाइस, अगली की स्टोरी है ज्ञान गेमिंग की तरफ से, और उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो उनका ये रिएक्शन रहा। हम वीडियो कर रहे हैं तो गाइस, यहां पे 5 मिलियन होने वाला है गाइस। ओह माय गॉड, 50 लाख सब्सक्राइबर। ओह माय गॉड गाइस, लव यू ऑल। जितनी बार लोग देख रहे हो, लव यू ऑल। सो अगला स्टोरी है टू साइड गेमर की तरफ से। टू साइड गेमर ने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है टू साइड शॉर्ट नाम से। तो देखिए गाइस क्या कहा उन्होंने उसके बारे में, और काफी ज्यादा मजा आएगी भाई ये चीज में। गाइस आपका बहुत जबरदस्त हमें सपोर्ट चाहिए रहेगा। एक सेकंड, और गाइस जैसे कि आप सब थंबनेल एंड सब कुछ देख सकते हो क्या सीन चल रहा है पब्लिक। एक और मतलब हर हफ्ते, हर महीने, हर एक दो साल में हम लोग एक चैनल खोलते रहेंगे और उसे ओपी सा बनाते रहेंगे। तो बी रेडी गाइस, आज जो है न्यू चैनल आ चुका है टू साइड शॉर्ट्स, जो कि आप सबको पता होगा। अभी ये कुछ अलग लगा है यार, लाइक हम लोग हर बार यही ट्राई करते हैं कि कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू, कुछ नया, कुछ भी, मतलब भले कुछ भी हो वो नया, बस नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो वो आप लोगों के लिए लाए, और यस ये कुछ यूनिक लगा क्योंकि सब लोग हर जगह तो कर ही रहे शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह चल रही है। तो यूट्यूब ने अगर नया फीचर अनाउंस किया है यूट्यूब पे, तो आपको नहीं मचाएंगे पब्लिक। तो गाइस न्यू टू साइड शॉर्ट्स करके नया चैनल अपना आ चुका है, जिसके 91 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, जो कि गाइस उससे पहले ठीक है भाई, आज करते भाई इस चैनल को। मेरा ये है सपना तो नहीं है बट एम है कि यार अभी कुछ नया खोला है तो इसको आज ही 100K करेंगे भाई साहब। गाइस 2900 अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने अभी आज, और आज का हमारा टारगेट रहेगा 100K इन अ डे। गाइस कैन वी हिट 100K ऑन अ न्यू चैनल TSG शॉर्ट्स। गाइस आज अगर हम 100K करेंगे, मैं और जस्ट लास्ट में भांगरा करेंगे, ठीक है, फुल फेस कैम में भांगरा करेंगे, भले हमने चड्डा पहना है। गाइस 5000 सब्सक्राइबर हो गए। अगर गाइस आप लोग अगर शेयर करो और 100K अगर एक। अगला स्टोरी है RDX रॉकी की तरफ से। वो अपनी लाइव स्ट्रीम पे भड़क गए थे, तो देखिए क्या हुआ था वहाँ। प्रोडक्टर से मेरे से एक गुजारिश है, ये जितने भी फालतू के बंदे यहाँ पे पानी पूरी और मोमो खेल रहे हैं, इनको चैट से भगा दे प्लीज, ठीक है। ये रॉकी भाई का स्ट्रीम है, ये क्रिटिकल एक्स का स्ट्रीम है। यहाँ पे नेपाल, भारत और बांग्लादेश एक मंच पे खेलते हैं, हम मोमो और पानी पूरी लेके नहीं लड़ते। प्लीज जितने भी बंदे देख रहे हैं, इन बेवकूफ स्पैमरों की बातों में ना आए, और मॉडरेटर्स दोनों, मोमो और पानीपुरी वाले दोनों को भगाओ यार, मत दो मॉडरेटर्स टाइम आउट, मत दो, छोड़ दो टाइम आउट, मत दो उन्हें, छोड़ दो इनको, छोड़ दो इनको, जो करना है करने दो।
पागल बंदे हैं, इनसे मैं अच्छा हूँ भाई, मैं नास्तिक ही सही हूँ, इनको लड़ने दो, ये इसी लायक है भाई, लड़ने दो। ये क्या हो रहा है चैट में भाई, पागल बंदे हैं, पागल हैं, क्या बोलना है, छोड़ दो उन्हें। देखो गाइस, एक चीज होती है एटिकेट्स, ठीक है, और जैसा घर वाले संस्कार देते हैं ना, चाहे भारत में हो या नेपाल में, वो बंदे वैसे ही होते हैं, ठीक है। और अगर आपको सिखाया गया है कि सामने वाले को चढ़ाने के लिए क्या बोलना है और ये सब बोलना है, या आपको ये सिखाया गया है कि सामने वाले को क्या नहीं बोलना है जिससे बुरा लग सकता है, ये वो एटिकेट दिखाता है। जो चैट में जिस किस्म के बंदे आते हैं ना, मैं देख के समझ जाता हूँ कि कौन किस घराने से आया है, ठीक है। इस बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं है, मुझे मेरे नेपाल के भाई भी जानते हैं, मुझे भारत के भी भाई जानते हैं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है इनको, इनको जो मर्जी करें, कुछ नहीं बोलना इन लोगों को। खेलो खेलो और खेलो, पानी पूरी, मोमो, पाव भाजी, और भी कुछ बोल दो, छोले भटूरे, बोलते रहो। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, एंड हम बात करने वाले हैं पहली स्टोरी है टोटल गेमिंग की तरफ से, और वो बताते हैं कि मैंने मतलब बता रहे हैं कि फेस रिवील क्यों नहीं करता। कुछ होगा तेरे साथ भी यार, कि तू पब्लिक के अंदर फालतू के लिए नहीं।